शार्क्स, क्या आप वो बचपन के दिन वापस लाना चाहते हैं? वो क्लासेस को बंक मारना, वो कैंटीन में रगड़ा समोसे खाना और रंग बिरंगी चुस्कियाँ खाना, वो स्कूल लाइफ भी क्या लाइफ थी। लेकिन वो आइस पेप्सी या चुस्की कहीं मिलती कहाँ है आजकल? रवि, अगर मिल भी जाएगी तो क्या उसे खा पाएंगे, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर और सिंथेटिक कलर से बनती है। ओ, इसीलिए हजारों बच्चे हर साल खराब क्वालिटी की चुस्की खाकर बीमार पड़ते हैं। तो क्या हमारी वो बचपन की मजेदार यादें वापस ताजा नहीं हो सकती? हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग टू यू इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली आइस पॉप्स ब्रांड स्किपी आइस पॉप। Hello everyone, I'm Ravi Kabra, the co-founder. And I'm Anuja Kabra, the co-founder of Skippy Ice Pops. And we are from Hyderabad. Skippy Ice Pops is 100% natural color, natural flavor, natural preservatives and natural sweetener. Se. Sharks, India mein frozen products ko supply karne ki badi pareshani hai. Isiliye humne pure supply chain se refrigeration ko hi hata diya hai. स्किपी आइस पॉप्स बनती है लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में, और इसे सप्लाई भी करते हैं हम हमारे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर से। कस्टमर्स इसे खरीद के घर ले जाते हैं, उसे फ्रीज करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। तो शार्क्स, हम आए हैं आपके पास 45 लाख रुपीज रेस करने अगेंस्ट 5% इक्विटी इन आर कंपनी। Sharks, क्या आप हमारे Skippy Ice Pops ट्राई करना चाहेंगे? Absolutely. Yes. Yes. Wonderful. Please. So we have got 6 flavors. Try the lemon one. Lemon. Very nice packaging. Thank you. हर बार ये बाहर जाते हैं बच्चे यही खाते रहते हैं। वो बच जाती है एंड में तो मेरे को ही खानी पड़ती है। I'll have raspberry. Raspberry. Very, very nice. It's a nice flavor. सच में बचपन याद आ गया है। Yeah, that was the aim. Yeah. Yummy. Lovely. Great, great. Yum. Thank you. It's very nice. Absolutely yum. Thank you. So, welcome to Shark Tank. Thank you. मेरे को काफी interesting लग रहा आप जो कर रहे हैं। एक बात बताइए कि आप इसमें कैसे घुसे? आप थोड़ा उस पे elaborate करिए। So, मैं पिछले 16 साल से food and beverage industry में हूँ। कई ब्रांड्स को फूड एंड बेवरेजेस में हम लोग रीपैकिंग करके छोटे साइज में प्राइवेट लेबलिंग, सो 16 ईयर से दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। 8-10 साल जब मैं एक्सपोर्ट्स का काम कर रहा था यहाँ पापा के बिजनेस में, तो मुझे लगा कि भाई देर इज ट्रेमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल है कि मैं कुछ और अपने आप को भी ट्रेन करूँ, कुछ नया एक्सपोजर लूँ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो मम्मी और पापा बहुत बड़ा दिल रख के दे सेड कि आप जाओ। देखते ही देखते अपना खुद का घर बना लिया ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज लाइक अ ड्रीम थिंग। लेकिन जैसे ही एक कॉल आया इंडिया से, हमारी पूरी लाइफ बदल गई। पता चला फोन कॉल पे मम्मी से कि पापा को ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो इंडिया वापस आने के बाद अब कुछ ना कुछ यहाँ पे भी तो काम शुरू करना ही है। कई बार हम लोग बैठे बैठे फैमिली के फोटोग्राफ्स, पुरानी दिनों के याद करते थे, तब ख्याल मन में ये आया कि ऐसा कुछ चीज़ करें जिसमें नॉस्टैल्जिया हो, लोगों को अपने बचपन की चीज़, अपने परिवार के साथ बिताया हुआ टाइम वापस याद आए। तो मैं अनुजा से वही बता कि आइस पॉप्स का काम क्यों नहीं करते, और इंडिया में तो आइस पॉप्स है ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के 2-3 महीने बाद ही अनफॉर्चुनेटली पापा चल बसे। आज हम यहाँ पर है शार्क टैंक के मंच पर, और उम्मीद करते हैं यहाँ से हमारे फादर के ड्रीम को, उनकी जो ख्वाहिश थी उसे पूरा कर पाए। ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं जब अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करता हूँ इंडिया से बाहर, ये वहाँ पे काफी चलता है। आपका टारगेट सेगमेंट बच्चे ही हैं? मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे हमारे टारगेट मार्केट है, लेकिन हमारा फर्स्ट कस्टमर इज 25 प्लस इयर्स ऑफ एज। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो स्कूल में से खा चुके हैं, एंड जब वो इससे कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो जाके अपने बच्चों को फैमिली में से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक बार बच्चों के हाथ में आ गया तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। रिपीट ऑर्डर्स है ही है।
रवि अनुजा, फर्स्टली ऑफ कोर्स आई लव द ब्रांडिंग, स्किपी द नेम, द ब्रांडिंग इज अमेजिंग एंड प्राइसिंग 20 रुपीस फॉर दिस इज रियली गुड. मेरा प्रॉब्लम, आप सिंस आप हेल्थ का बोल चुके हैं एंगल, तो इसमें वाटर के बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है शुगर. वेरी ब्लंटली इफ आई पुट इट, दिस इज शुगर वाटर. ये एक फन प्रोडक्ट है. पहली बार तो हम इसे हेल्थ प्रोडक्ट बोल के बेचते ही नहीं है. आई एग्री विथ यू, अगर आप शुगर वाटर बोलते हो, लेकिन हम इसमें ये बताएंगे कि ये जो फन और एक्साइटमेंट बच्चों में और बड़ों में लाता है, इट कनेक्ट्स यू बैक टू द ओल्ड मेमोरीज. और जो कलर और फ्लेवर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो एक्चुअल फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही होता है. तो मैं आपको बताऊँ, जब कोई बोले हेल्दी नहीं है ना, आप बोलते करो हेल्दी नहीं है. जितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, या उससे ज्यादा हेल्थ अनकॉन्शियस लोग हैं, वो खुश होते हैं. आपने सेल्स कितनी की है वो बताए. नहीं, सेल पे मत जाओ पहले. क्यों? बाकी चीजें तो पता नहीं. अरे रुको ना, सेल्स कितनी की है? आप उनको मना नहीं कर सकते, सेल बता दो. पिछले 6 महीने हमने करीबन 40 लाख का सेल कर चुके हैं. लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने 7.5 लाख रुपए का सेल किया है. और प्रायर इन्वेस्टर है कोई आपके पास? नहीं, इट इज ऑल बूटस्ट्रैप. हमने खुद की फंडिंग जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा लगाया है, हमने करीबन 55 लाख रुपए डाले हैं इसमें तक. हर बच्चा पैदाइशी जीनियस होता है, अगर मौका मिले तो वो कुछ भी सीख सकता है. बिल गेट्स ने भी कहा है, द फर्स्ट 5 years ऑफ आवर लाइफ डिफाइंस हाउ द नेक्स्ट 80 years टर्न आउट टू बी. यस, हमारे लाइफ का सारा एबिलिटीज, टैलेंट्स और स्किल्स काफी हद तक हमारे पहले 5 से 6 साल के उम्र में ही डेवलप हो जाते हैं. यह इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे काफी गहरा साइंटिफिक और एवोल्यूशनरी रीजंस छुपे हैं. हाय शार्क, आई एम राघव हिम्मत सिंह का सेकेंड टाइम एंटरप्रेन्योर, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट एंड अ प्राउड फादर. एंड आई एम श्रद्धा हिम्मत सिंह का. And we are the founders of Raising Superstars. अगर आपके बच्चे हैं 0 to 3 years की उम्र तक, तो आप हमारा app Prodigy Baby डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे app पर हम आपको वो सभी tools देते हैं जिसके जरिए आपके बच्चे develop करते हैं demonstrable abilities of intelligence, languages, reading, memory, math, music, personality, etc. In just 5 minutes of daily fun और बिना किसी तरह के screen time या pressure के. हमारे app पर enroll करने से हम आपको देंगे short videos के जरिए daily activities and exercises, expert guidance और support, और हमारे physical material जैसे flash cards, booster cards delivered to your home. सिर्फ 1 साल के हमारे सफर में 50,000 से भी ज्यादा पेरेंट्स ने हमें अपना प्यार और अपना भरोसा दिया है. आज हम यहाँ आए हैं अपने 2% कंपनी के शेयर्स के बदले में 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट मांगने. हमारे साथ हमारे प्रोग्राम की एक पेरेंट आ रही है और आज वो आपको कुछ दिखाना चाहती है. ये है मिकिता और ये है उनके छोटे बेबी ध्वीर. हाय वीर, से हाय टू एवरीबॉडी, गिव अ फ्लाइंग किस. हाय वीर, कम ध्वीर, जस्ट सी ओपन स्पेस नाउ, पीपल जस्ट गो. ध्वीर, लुक हियर. वीरू, न्यू एनवायरनमेंट, इट्स टफ, इट्स टफ. कम, शो मी वेयर इज Where is pizza, Dheeru? Well done. Good job, Dheeru. Dheeru, where's toucan? Good job, Dheeru. Dheeru, where's Euclid? Euclid? Good job. And where's dogs playing poker by Cassius Coolidge? Good job. Wow. Where is Rambutan? Good job. Best burger? खिला दो उसको यार. Wow, amazing. High five, buddy. Good job. Yes. आप कितने टाइम से कर रहे हैं प्रोग्राम इनके साथ?
अबाउट 1 year. और अभी कितने साल के हो गए? अभी he is right now 2 years old. हर दिन कितने घंटे आपको ये करते हैं? I just have to give my 5 minutes because I am a working mom and that's what I liked about them because it was just 5 minutes in a day. So इतना दे देती हूँ booster cards दिखाना और जो अलग अलग activities whatever they tell me. Thank you so much for your time. Bye Dhruv. It's lovely meeting you today. Bye. Bye. राघव एंड श्रद्धा वेरी गुड डेमो. जो आप बोल रहे हैं कि एक आउटकम निकलता है एक बच्चे में और जब उसको देखते हैं तो अलग चीज समझ आती है. तो पहले आप ये बताइए कि आप दोनों ये कैसे करने लग गए? सो इट्स अ लिटिल पर्सनल स्टोरी है. तो 3.5 साल पहले वी हैड आवर सन एंड हमने चालू किया कि हमने रिसर्च किया कि उसके साथ क्या कर सकते हैं. वो मतलब 3 महीने में क्रॉलिंग करने लग गया. यूजुअल एज ऑफ क्रॉलिंग इज अबाउट 8-9 months. वो 8 महीने में वॉक कर रहा था. तो ये सब चीज़ें क्या है कि बाकी पेरेंट्स लोग को दिखता है. फिर श्रद्धा ने ऑफलाइन कंसल्टिंग चालू किया पेरेंट्स लोग के साथ. फिर लास्ट ईयर जब पैंडेमिक हुआ वी वर लॉक्ड इन एंड मेरी जो पुरानी कंपनी थी ट्रकोला टेक्नोलॉजीज वो बंद हो गई. सो वी वर स्टक एट होम. वी लाइक यार इसमें बहुत डिमांड आ रहा है, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं. वी आर कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड. हमने कभी पैसा रेज नहीं किया. 20,000 रुपया हमने डाला था 1 साल पहले, वहीं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. नमस्ते शार्क्स, मिलिए हमारे स्मार्ट मैन से. ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये फोन के एक टच पर लाइट ऑन कर सकता है, स्मार्ट वॉच पे बात कर सकता है और ब्लूटूथ हेडफोन पे वायरलेसली गाने सुन सकता है. तो ऐसे ही स्मार्ट मैन के लिए हम बनाते हैं हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स. हम लोग बनाते हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वाईफाई प्लग्स, वायरलेस चार्जर्स. हाय शार्क्स, मेरा नाम रोहित नंदवानी है. मेरी कंपनी हैमर लाइफस्टाइल है. ये मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं चांद भाटिया, रोहित सकला. हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2019 में एंड अब तक हम 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं. Wow. हमारी आस्क है 30 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 3% ऑफ इक्विटी. तो शार्क्स, ये अब आपको प्रोडक्ट्स का डेमो देंगे. हेडफोन्स है आपके पास, एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ. म्यूजिक प्ले हो गया है. रोहित जी, हमारे जो परम शाख है अमन जी, तो ये तो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर है. आप जैसे प्लेयर्स जब एंटर करते हैं इस मार्केट में तो क्या सोच के एंटर करते हैं? बोट इज रियली बिग. बोट तो अब टाइटैनिक बन चुका है. हम तो अभी बहुत ही टाइटैनिक तो डूब गया. ऐसा ना बोल भाई, स्पीड बोट बोल ले, कुछ और बोल ले. अच्छा, मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही बड़ा बन चुका है, बट क्योंकि आज के टाइम में गैजेट की मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी जगह है इसके अंदर. विजन क्या है आपका? विजन, हम पूरे इंडिया में ये गैजेट्स पहुंचाना चाहते हैं सो इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके. जो बोट से नहीं इंप्रूव हो रहा है उसको आप और बेहतर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं. हम सिंग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर हैं. अगर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं तो 2-3 ओवरलैप करती है हमारी. सिर्फ 2-3? 2-3. समस्या क्या हो रही है ना, बहुत गंभीर है. आप समझ रहे हो, क्योंकि दिग्गज बादशाह तो यहाँ पे बैठे हैं ये इंडस्ट्री. नहीं, पर मेरे को लगता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो. हम बैठे हैं ना, आप चिंता ना करो भाई. अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बिजनेस में दम है, तो अमन भी यहाँ पे बैठे हैं तब भी पैसे लगा देंगे. तो आप कंफर्टेबल होके करो, आपको अमन को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना. आप लग रहा है मुझे डर रहे हो, थोड़ा डरो मत यार. मैं नहीं हूँ, मैं चला गया. अभी बिजनेस की बात करते हैं, कितने SKUs है आपके पास? अभी हमारे पास 14 SKUs है. और टॉप 3 SKUs बताइए. टॉप 1 इज हैमर बैश, सेकंड इज वॉच एंड थर्ड इज वायरलेस चार्जर. ये जो आपका टूथब्रश है वो बिकता है? क्योंकि आपने वो मेंशन किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि कौन खरीदता है और किस लिए खरीदता है. मैं इंडिया का कस्टमर का लेवल डेवलप कंट्रीज के बराबर लेके जाना चाहता हूँ. सो जर्मनी में 70% ऑफ द टूथब्रशेज आर स्मार्ट टूथब्रश, दुबई में स्मार्ट टूथब्रश, चाइना में, हांगकांग में. सो वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. अगर आपने किड्स को दे दिया, आपने बोला कि रात को करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप रात को 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो बंद ही नहीं होगा, फोन से ही बंद होगा वो. रोहित, मैं भी एक स्मार्ट टूथब्रश यूज करता हूँ, जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस. एक बार आप उसे यूज करके 1-2 महीने होगा, यू कांट गो बैक. अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूं या बोट के लूं?
वो क्या कहेगा बेचारा? बेचारा कौन सा, एंटरप्रेन्योर है यार, बेचारा की क्या बात है? तो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है अगर आप। गलत जवाब। अच्छा, हैमर के लिए नहीं चाहिए। और क्या यार, क्यों वाला है? फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? नहीं, क्योंकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास सोच बड़ी होनी चाहिए। कंपनी छोटी है तो क्या, अगर क्या हो तो बोट लूं और क्या हो तो आप लूं। सो बैश के ऊपर का जो कुशन है, दैट इज सुपर सॉफ्ट। अच्छा, तो फिर अगर कंफर्ट चाहिए तो आपका लूं और साउंड बेटर चाहिए तो बोट का। नहीं, साउंड भी इसमें अच्छा है, उनका कूल उस सेगमेंट में, हमारा कंफर्ट और इसमें है। कंफर्ट और क्वालिटी आपका, साउंड का आपका बेटर है। हाँ जी। पिछले साल क्या रेवेन्यू था आपका? फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 करोड़ का था, 2021 में 5 करोड़ था। इस साल तक हम 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितना करोगे टोटल? इस साल हमारा 10 करोड़ पहुंच जाएगा। आई फील अगर आते हैं, शॉक्स आते हैं तो आप उन्हीं को लेने आए तो फिर हमसे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप लोग आते हैं। मैं नहीं, आप तो वहीं देख के बात कर रहे हैं। नहीं, आई वाज, वो तो आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कुचल दूंगा। अमन जी, आप इतने शांत क्यों हैं? नहीं, एक मंच है और जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर पिच करने आया है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ओपन माइंड से सोचो। नाइस। आपकी घड़ी कितने की बिकती है? हमारी 2 घड़ियाँ हैं, एक 2500 की बिकती है, एक 3500 की बिकती है। आपकी घड़ी बेहतर है उनकी? हमारे में कॉलिंग फीचर है, जो कि अभी कॉलिंग फीचर है। अपना एंटरप्रेन्योर थोड़े, नहीं आप ये नहीं सोचते हो कि SKUs थोड़े कम करके 3-4 प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको 50-100 करोड़ की कंपनी बनाओ और फिर और प्रोडक्ट्स लॉन्च करो? प्रोडक्ट इसलिए मैंने आपको पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। तो रोहित जी, मैंने डिसीजन बना लिया है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है और इतने सारे SKUs का गेम मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। रोहित, अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। वेरी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस तो नहीं लग रहे आप, बस यही तो प्रॉब्लम है। फंडामेंटल सही है, वायरलिटी है प्रोडक्ट में आप कह रहे हैं, पर हंगर नहीं है। आपने आके शुरू में ही लाइन बोली, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है क्या, आप बोल नहीं रहे कि मेरा बेहतर है।